32वां सड़क सुरक्षा माह अंतर्गत आम जनों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जन जागरण करने के उद्देश्य को लेकर पुलिस विभाग द्वारा वाहन रैली का आयोजन किया गया। वाहन रैली सुबह करीब 10 बजे स्थानीय ट्रैफिक गार्डन के बाहर से प्रारंभ हुई। पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर वाहन रैली को रवाना किया। रैली के सबसे आगे वाहन जो यातायात नियमों के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी देते चल रहा बाद में पुलिस स्टाफ दोपहिया वाहनों की श्रृंखला के साथ वाहन रैली शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई यातायात नियमों के पालन करने का संदेश देते हुए पुनः ट्रैफिक गार्डन पर समाप्त हुई। पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि 32वां सड़क सुरक्षा माह अंतर्गत पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार एक माह तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जो ट्रैफिक माह के नाम से भी जाना जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने झाबुआ शहर की जनता से अपील करते हुए कहा है कि आप यातायात नियमों का पालन करें। यदि आप यातायात नियमों का पालन करते हैं तो आपकी जिंदगी आप स्वयं ही बचा सकते हैं। आप यदि दोपहिया वाहन पर यात्रा कर रहे हैं तो आप हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। वाहन चलाते समय कभी दुर्घटना भी होती है तो हेलमेट आपकी सुरक्षा कवच के रूप में आपकी जान बचाएगा। इसके अलावा वाहन चलाते समय शराब आदि का सेवन ना करें, साथ ही साथ ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें। इस अभियान के माध्यम से शहरवासियों को यातायात नियमों के पालन करने हेतु प्रेरित किया जाएगा। वाहन रैली में SP आशुतोष गुप्ता, जिला परिवहन अधिकारी राजेश गुप्ता, झाबुआ थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह गडरिया, यातायात प्रभारी विजेंद्र सिंह मुलजालदे, लोकेंद्र खेड़े आदि पुलिस विभाग के कर्मचारी सम्मिलित थे। आयोजन होने वाला है, क्या खास निगरानी और निर्देश है आपके? ये नेक्स्ट एक महीने तक पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो कि ये ट्रैफिक महीने के नाम से जाना जाएगा। इसमें हमारी तरफ से पूरे झाबुआ जनता से अपील रहेगी कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें। आपकी ज़िंदगी आप स्वयं ही बचा सकते हैं। अगर आप मोटरसाइकिल या टू व्हीलर पर चल रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें। आप अगर हेलमेट का प्रयोग करते हैं तो कभी मान लीजिए खुदा ना खास्ता कभी एक्सीडेंट हुआ तो आपकी ही जान बचेगी। और इसके साथ ही साथ में जितने भी और ट्रैफिक नियम हैं उन सभी का पालन करने के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे इस अभियान के माध्यम से। थैंक यू सर। इसको रोकने के लिए हम सबकी जवाबदारी है, मीडिया की भी है, जनता की भी है, प्रशासन की भी है, सभी की जवाबदारी है। और स्वयं जो लटकते हैं या ओवरलोड बैठते हैं उन लोगों की भी जिम्मेदारी है। तो मेरा झाबुआ ज़िले के जो प्रमुख लोग हैं, चाहे सरपंच सचिव हो, तड़वी हो, पटेल हो, जिनकी बात आम जनता सुनती है, उनके गाँव के लोग सुनते हैं, उनसे ये अनुरोध है कि ये जो जीपें होती हैं ये एक तरह से अपनी रोजी रोटी का जो अगर आपका साधन है तो ये हम इनकी पूजा करते हैं, इनकी पूजा करते हैं या हमें उन्हें देवी के रूप में मानते हैं। तो इन पर पांव देकर माथे पर चढ़ना या इनके ऊपर जूते चप्पल पहन के जैसे तैसे लटक जाना, तो मेरा तो ये कहना है, एक आध्यात्मिक स्वरूप में मेरा ये कहना है कि इससे माता रुष्ट होती है। माता अगर गुस्सा होती है तो हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं और समृद्धि भी नहीं आती जीप वालों की। वो सोचते हैं कि हम बहुत ओवरलोड बिठा के और खूब कमा लेंगे, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी उनकी गरीबी जस की तस रहती है। तो इनको जीपों को माता माने और बिल्कुल भी इनके माथे पर पांव न रखने दे, किसी को छत पे न बिठाए और अंदर ही अंदर चलाएंगे तो समृद्धि भी आएगी और उसके साथ हजारों जीप वालों को रोजगार भी मिलेगा। वो नियम से चला पाएंगे, हादसे नहीं होंगे और अपनी माताएं बहनें जो इन परिस्थितियों में वहाँ बैठती हैं वो माताएं बहनें भी सम्मानपूर्वक जो है वो यात्रा कर पाएंगी। और ये सबका अधिकार भी है सम्मान से यात्रा करना। तो जीप वाले हों, चाहे बैठने वाले हों, चाहे उनको समझाने वाले हों, सभी की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ओवरलोड ना बैठे और ये झाबुआ ज़िले से ये कलंक जो है ये मिट जाए, हम तो यही चाहते हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए झाबुआ से अजय नागर की रिपोर्ट।